मुझे यहाँ पे पास आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 86 है सीक्वेंस सीरीज का। सबसे पहले आपके पास यहाँ एक रिलेशन गिवन है कि एफ ऑफ एन प्लस वन जो है वो 2 टाइम्स Fn प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। यहाँ पे बच्चों एन आपके पास जा रहा है 1 से लेकर के ऐसे चलता चला जा रहा है। तो बच्चों हमारे मन में ये पता है कि भैया हमको जो F1 है उसकी वैल्यू 2 पता है। तो अगर हम इसमें रिलेशन ये स्पेसिफाइड है 1 से लेकर के जितने भी इंटीजर्स आ रहे आगे, तो हम बेटा इसमें सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम F2 निकाल करके देखें। तो हम इसमें एन की जगह 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स F1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2। तो बच्चों अगर ध्यान से देखिए क्या इतना बना, यानी कि 5 बाई 2। अब बच्चों एन इक्वल टू 1 पे आ गया, एन इज इक्वल टू 2 पे निकालो, तो ये F3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स F2 प्लस F1 डिवाइडेड बाई 2। इसको भी बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, F2 की वैल्यू कितनी है 5 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल 6 बाई 2, यानी कि 3। तो बच्चों जब आप F1 F2 F3 को लिखेंगे तो आपको देखिए क्या दिख रहा है, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। इस सीक्वेंस को जरा पहचान, इसकी वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है 5 बाई 2, इसकी वैल्यू क्या है 3। जरा बच्चों डिफरेंसेस निकालो, 5 बाई 2 माइनस 2, डिफरेंसेस निकालिए, 5 बाई 2 माइनस 2 जो होगा वही 3 माइनस 5 बाई 2। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आई 1 बाई 2, और ये भी वैल्यू कितनी आई 1 बाई 2। इसका मतलब डिफरेंसेस सेम आ रहा है, इसका मतलब F1 F2 F3 ये सब क्या फॉर्म कर रहे हैं, AP फॉर्म कर रहे हैं। अब बच्चों F4 F5 F6 जितने भी टर्म्स हैं ये AP फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें AP का आपका जो फर्स्ट टर्म है वो आपको क्लियर हो गया है कि इसमें AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, वो है 2, और कॉमन डिफरेंस कितना है हाफ। तो बच्चों AP का कौन सा टर्म ये पूछ रहा, 101वां टर्म पूछ रहा। तो AP का 101वां टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हाफ। तो बच्चों कितना हो गया 2 प्लस 50, और 2 प्लस 50 कितना हो गया 52। तो एक बार आप आंसर चेक कर लीजिए।